भाग सकती हूँ। हाँ। ये सेका ना दिखाए मुझे, ये देखेंगे मुझे डंडा दिखा रही है। मैं भाग सकती हूँ, तो मैं पे लगा दी। मैं भाग सकती हूँ, अभी मैं भाग सकती हूँ, इतनी मेहनत हुई वो। हाँ, क्या बुड़ी बुड़ी ओए माशाल्लाह जी, आज तो हुरैन आ गया जी अपना साइकिल लेके बनवाने के लिए। हुरैन कानपुर आया हूँ सवारियाँ लेके, इधर हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूँ। मैंने इधर से मोबाइल की थोड़ी सेटिंग कराई है जी। है ना कप, ये है ना बर्तन थे पड़े हुए, आप ही ने धोए थे अभी अभी, दिन निकाल रहे हैं। सन को मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। हमारी सुबह सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और सबने नाश्ता कर लिया है अल्लाह के फजल करम से। और है ना हमारे जो सा मामू था वो चला गया है, अभी गए अभी अभी से अभी गए हैं। तो मैंने कहा मैं भी अपने व्यूअर्स के साथ है ना थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लूँ, इसलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आपकी प्यारी मुनाहिल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह हो चुकी है, नमाज कुरान पढ़ लिया, तो मैं अभी दुकान पे जा रहा हूँ। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला सब मेहरबानी करे, इसमें बरकत अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ ही अपने सुबह का आगाज़ करते हैं। और मैं जी घर से निकल आया हूँ, जा रहा हूँ दुकान पर अभी, सुबह सुबह का टाइम है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह दुकान खोल ली है, सारा सामान वगैरह भी बाहर सेट कर दिया, टैंकी अंदर ही है, बाहर नहीं निकालते। ये देखना ये कितने गहरे गहरे गड़े पड़ गए इसकी व्हीलों से ना, बहुत वजनी है, फिर बाहर निकाल रही, अंदर खड़ी करनी बहुत मुश्किल होती है। फिर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, इसको खींचता हूँ जोर लगाता हूँ। ये देखें जी हमने रस्सा बांधा हुआ है इधर, इसके साथ पकड़ते हैं, इसको खींचते थे, बहुत मसला बनता था, बहुत वजनी है ये, इसको मैंने अंदर ही खड़ा कर दिया, मैंने कहा अंदर ही खड़ी रहे। ओए माशाल्लाह जी, आज तो हुरैन आ गया जी अपना साइकिल लेके बनवाने के लिए। हुरैन क्या हुआ तुम्हारे साइकिल को, क्या हुआ साइकिल को बताओ मुझे, मुझे बताओ ना क्या हुआ है। ओए होए हुरैन तो भाई नाराज है जी। खानपुर आया हूँ सवारियाँ लेके, इधर हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूँ। ये हॉस्पिटल है, एक ये हॉस्पिटल है, ये है जी हमारी गाड़ी की अंदर से लुक। मैं गाड़ी में बैठा हुआ, इधर इंतजार सवारी हूँ कि सवारियाँ आएंगी, जैसे ही अंदर डॉक्टर के पास गई हैं तो फिर लेके उनको मार्केट जाना है, वहाँ से उन्हें थोड़ी थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी है, तो उसके बाद फिर वापस। मैं खानपुर से आ गया हूँ सवारियाँ छोड़ के, तो अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार, मेरा मोबाइल ख़राब है, ये काम नहीं कर रहा, इसको ठीक करवाना है। मैंने इधर से मोबाइल की थोड़ी सेटिंग कराई है, क्या हाल है ठीक है यार? इसकी आवाज़ तो आपने की नहीं, मैंने कहा आवाज़ कर दें इसकी थोड़ी सी जी। माशाल्लाह कारीगर जी जिनसे मैंने मोबाइल की सेटिंग कराई है, और सर ठीक है अब सही चलेगा मोबाइल? चलें जी शुक्रिया। अनीस मोबाइल शॉप ना नफीस, ये इकबाल करियाना के साथ हैं। हम जी है ना कप, ये है ना बर्तन थे पड़े हुए, आप ही ने धोए थे अभी अभी, तो मैंने कहा मैं इनका कपड़ा मतलब मार के ना साफ करके रख दूँ, मैंने कपड़ियाँ मार लिया है, तो अब मम्मा को बस एक प्लेट से मम्मा उसको कपड़ा मारी थी। तो इधर मैंने मसल डाल दिए इसमें धो के पकने के लिए रख दिए, फिर छली भी मैंने मिला के भून दी है। इसके ऊपर क्या कुछ लगाना है? कुछ भी लगाना ऐसे खाते हैं ऐसे? हाँ जी। तो अब इसमें थोड़ा सा प्याज डालूंगी, नमक मिर्च डालूंगी, और जब पक जाएंगे तो फिर इसको लहसुन का तड़का लगाऊंगी। बाबा ने इंजन निकाल लिए, अब बाबा ले गए। आज हम बनाए छली और मेरी और मुझे बहुत दिल चल रहा था का, मैं छली बनाऊंगी छली बनाऊंगी, मामा मुझे भून के दे रही है। मामा कहते पर्दों के बगैर नहीं, पर्दों के बगैर ना सही नहीं भून जाती, पर्दों के बगैर होती ना फिर सही भुनी जाती। मैंने कहा पर्दे होते ऊपर तो? हाँ जी पर्दे होते तो ऊपर है ना, पर्दे ये हमारे जैसे छत के पर्दे होता है। तो ये देखें जी, ये ना पौधे हैं, आज इनको फूल लगेंगे, कल भी लगे थे और आज भी लगेंगे, तो पानी डालेंगे इनको आज, कल नहीं डाला था क्योंकि इनको ना एक दिन छोड़ के एक दिन बाद पानी डालते हैं, तो ये अच्छे रहते हैं पौधे, तो आज पानी डालेंगे। इनमें पानी जाता है
अच्छा सच्ची। आज ही हमारा व्लॉग जो है ना अंधेरे में, हमारा व्लॉग चल रहा है अंधेरे में। क्या कर रहे हो यार तुम? सीखे बना रहे हैं हम। सीखे बना रहे हैं। मैं जी शहर गया था, छलियां लेके आया था इनके लिए, तो ये छलियां भूनने लगे हैं। एक ये देखो, ये नमूना मेरा फिर रहा है, ये लेके आया है सारा कुछ। ये सीखे टेढ़ी नहीं करनी। हाँ जी, आप क्या कर रही हो मैडम? मैं कह सोने हो, जरा मुख नू इधर मोड़, नहीं गंदला तोड़ दिया मटिया रही। क्या हाल है? ठीक है, आज जी गैस नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो रात के टाइम ना ये चूल्हा बन गया इधर। हाँ जी, दूसरा चूल्हा चलाना था वो बिजली वाला, क्योंकि बिजली भी नहीं है तो और गैस भी नहीं है, इसलिए फिर ये चूल्हा जल रहा है। आप वो बात क्यों पूछते हो जो हम बताने के काबिल नहीं है? नहीं पूछते। आपको पता है कि सारा दिन तो मैं कानपुर रहा हूँ। वो गुटखा लेके आओ, ये वाला गुटखा लेके आओ। आज तुम्हारी मामा के पास बैठने का ना दिल करता है कि तुम्हारी मामा के पास बैठूं, तो ये गाना गाए, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। मैं कहूँ ना चूल्हा जला लिया, ये देखें जी चूल्हा जल रहा है, आग नहीं जल रही अभी तक। बेगम ने डंडा पकड़ा हुआ है, मैं डर के ना पीछे हो गया हूँ, कहीं मार ही ना दे ये, क्योंकि पता कोई नहीं चलता जब ये बिगड़ जाती है ना, तो ये फिर कहती है जी बिगड़े तिगड़े का डंडा पी रहा है। हंसती कैसे हो बेगम? अभी तो ऐसे हंसते हैं। आज हमें वहाँ से चल के इधर आना पड़ा, इधर आना पड़ा। अच्छा, बाल हैं जी इसके। छलियाँ वीडियो में देखा, ऐसे नहीं होती बाल, ऐसे दिखाया, वीडियो में देखा हमने ऐसे। हाँ, दुल्हन बन गई ये बालों वाली लड़की। बाबा वीडियो में देखा वो, उन लोगों ने छली की दुल्हन बनाई हुई थी। अच्छा, ये मामू लोग क्या होता है? ये मामू लोग कहती, मामू जान नहीं कहती यार। रिहान पर एक खाना बनाने दे, बाद में ये काम है, कोयलों पे होगा ये काम। माशाल्लाह जी आग जल गई है। माँ आपको पटाखे चाहिए? वो पानी इधर इधर देखे, इधर पानी बोल मना, लाइट छोड़े। हाँ धो ले रिहान, इंसान बन जाओ यार। माशाल्लाह जी पेड़ा बनने लगा है। कैसे बनाते हैं जी हम पेड़े? अच्छा जी, मनाल बहन भाई मनाल के पेड़े याद आ गए। हाँ जी मनाल के पेड़े याद आ गए, खानपुरी पेड़े हैं जी। तो मेरी जी बहुत ही प्यारी सिस्टर है गुलफाम सिस्टर, उन्होंने हमारी वीडियो देखी है ना, उन्होंने कहा कि ये चारपाई उल्टी खड़ी की हुई है, वो चारपाई आप ही हमारे घर नहीं है, वो ना असगर भाई वालों का घर है, नंबरदार के घर। तो पता नहीं उनको चारपाई खड़ी करने का पता नहीं है या कैसे है, उन्होंने उल्टी खड़ी की हुई है। तो आपने कहा था आप जवाब दे, पता नहीं जल्दी में की है या कैसे की है, उन्होंने खड़ी की हुई है वो। तो मैंने वो आपका ना मैसेज में सेंड किया था मैंने असलम भाई को, तो उसने अभी बिजली नहीं है हमारे ना, लाइट नहीं है, जब लाइट आएगी तो फिर वो देखेगा। अभी लाइट का आज बहुत मसला बना हुआ है, तकरीबन असर के टाइम से लाइट गई हुई है 4 बजे से, अभी तक नहीं आई, इसलिए आज ऊपर जो ना खाना शाना बन रहा है। ये देखा कितना खूबसूरत चूल्हा बन गया यार, मेरे को मेरे पास कुछ हो तो मैं आपके ला के दूं। मैं वही तो आपको कहता ना, आप वो बात क्यों पूछते हो जो हम बताने के काबिल नहीं है? गलती हो गई जी, सारा दिन मैं शहर गया हूँ रक्षा लेके, वापसी आया हूँ तो मोबाइल खराब हो गया। 500 रुपया था मेरे पास रक्षे से बचा, 300 रुपया उसके साथ मैं उधार करके आया हूँ, 800 रुपया लगा मोबाइल के ऊपर, अब मैं कहाँ से ला के दूँ आपको चूल्हा? मेरे पास जी विरोगन के लिए मोबाइल नहीं है, मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। जितना देखिए रोटी कैसी बनती है, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया मैंने इसे चूल्हे पर
रोटी नहीं बनाई, वो गैस वो दूसरा चूल्हा था ना बैटरी वाला उस पर बनाती थी, इस पर मैंने नहीं बनाई। अच्छा चलो ठीक हो गया जी, बनाया ऐसे कच्ची भी गई से पक्की। अगर खाना देना है तो वह नमाज हो जाएगी इशा की, इसलिए मैंने ना बच्चों की तो मुझे फिक्र नहीं थी, हवा साहब की फिक्र है कि उसको मैंने खाना देना है और चाय भी देनी है। ठीक है ये क्या साहब इतनी नज़दीक, मैंने कहा ज़रा आपका चेहरा मुझे सही नज़र नहीं आ रहा था, मैंने इसलिए फिर नज़दीक किया है कि थोड़ा सा मैं देखूं तो सही, गौर से आपको बहुत अरसा हो गया देखे हुए। कमाल करते हो पांडे, मैं जैसे आपने रोटी बेलना शुरू हो चुकी है, अब पकने लगी है। बेगम हिल क्यों रही है रोटी पकाते हुए, आराम से बैठें, देखें फिर वही बात हिल रही है, आराम से बैठें, हिले नहीं रोटी पकाते हुए। बेटा भागने वाली अब रही नहीं है, अब चला नहीं जाता, भाग रहा है इसने, बाकी कहाँ जा रहा है, अब वो दौर चले गए। ऐसे चले गए, भाग सकती हूँ। ये सेका ना दिखाएं मुझे, ये देखें ये मुझे डंडा दिखा रही है, भाग सकती हूँ। फिर दिखाएं, मैं लगा दी, भाग सकती हूँ, अभी मैं भाग सकती हूँ, इतनी मैं नहीं हुई वो क्या बूढ़ी बूढ़ी, पहले कहती है वैसे कहती है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो जब लड़ने की बात हो अब तब कहती मैं बूढ़ी नहीं, करने के लिए मैं बूढ़ी नहीं हुई, तगड़ी। अच्छा मुझसे मुकाबला करने बूढ़ी नहीं हुई, नहीं बस ऐसे बूढ़ी हो गई। अच्छा डंडा उठा के दिखा सकती है मुझे, डंडा थोड़ी दिखा रही हूं, और क्या कर रही थी आप, बस आग जला रही थी, आग जला रही थी, उसको कौन सा आग लगी, क्या मजाल में आपको डंडा दिखाऊं। देखें जी वे डंडे में मुझे उठा उठा के दिखा रही है, कहते है मेरी क्या मजाल, उसको आग लगी नहीं किसको, लग जाएगी माशाल्लाह जी। देखे कितनी जल्दी बेगम ने रोटी बना ली है, बच्चे खा रहे हैं, मैंने तो खानी नहीं है, मुझे भूख नहीं, मेरा दिल नहीं करता रोटी खाने का ना आज, तो इसलिए मैं नहीं खा रहा। तो वो देखो छलियों का शिदाई, छलियाँ भूनना शुरू हो गया, वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत शिदाई है छलियों का, ये देखिए इसने छली रख दी है बीच में, ये सारी ये सारी खराब हो जाएगी, धुआं धुआं काली हो जाएगी, धुआं हो जाएगी सारी, ये अभी ना भूनो, लकड़ी पहले जलाओ थोड़ी सी, थोड़ी लकड़ियाँ जलेंगी फिर छली खाने वाली, ये ना लगाओ ये ना लगाओ लकड़ी लगाओ, बच्चों खाना खा लिया, हाँ जी। अब छलियों की कसर रह गई है, हाँ जी। सब अपनी अपनी लेके बैठ गए इधर चूल्हे के पास, मेरी तो मैंने तो दूसरे बना ली है, कौन सी है, मम्मा बना के लिए मुझे, कौन सी बनाएगी मम्मा, पता नहीं के ऊपर ही लगे रहेंगे ना, अच्छा चले उधर, वो किधर गया, यार ऊपर करोगे तो ये कालियाँ हो जाएंगी, खाई भी नहीं जाएंगी, कड़वी हो जाएंगी, ये कोयलों के ऊपर भूनी जाती है,